नगर निकाय चुनाव में हल्द्वानी नगर निगम सीट से जोगिंदर रौतेला ने सुमित हृदेश को 10,000 से अधिक वोटों से हरा दिया। विधानसभा चुनाव में मोदी लहर के चलते सुमित हृदेश की मां और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदेश ने जोगिंदर को 6,000 वोट से हराया था। हल्द्वानी के नए निजाम बनने के बाद जब युवाओं से बातचीत की गई कि नगर निगम कैसा होना चाहिए, तो सबसे ज्यादा युवाओं ने साफ सफाई पर ध्यान देने की बात कही। कुछ का कहना था कि जनप्रतिनिधि बस चुनावी वादों तक ही सीमित रहते हैं। कई युवाओं का कहना था कि शहर में सीसीटीवी लगाए जाने चाहिए, जिससे शहर में होने वाली वारदातों पर लगाम लग सके और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो सके। यही है कि मतलब हर जगह थोड़ी सुरक्षा दी जाए महिलाओं को, चाहे वो पब्लिक प्लेस हो चाहे सीसीटीवी के रिगार्डिंग लाइक द सिक्योरिटी ऑफ द विमेंस एंड काफी चीजें जो लाइक डेवलप नहीं है अभी उतना, बट आई गेस हो जाएगा। बाकी चुनाव में बंदा कुछ करे, रोड का काम करे या कुछ विकास करे, तो उसका बेनिफिट हो सकता है जनता का और मेनली कूड़ा कचरा खासकर। तो ये चाहते हैं कि वो तो सरकार तो कुछ करने से रही, पर युवाओं से ये कहता हूँ कि खुद कचरा न फैलाएं और खुद अपने उसमें रहें कि मतलब साफ सफाई पे ध्यान दें। चाहते हैं कि अगर नगर पालिका में जो भी बने, ये जो भी अध्यक्ष बने, ये साफ सफाई नियमित तरीके से हो। आए दिन कूड़ा पड़े रहने का कुछ भी नहीं कर रही है, रोडों की हालत खस्ता है और बाकी देखा जाए तो मेयर है या कुछ भी है, काम कुछ नहीं कर रहे हैं। जब अपर लेवल पर कुछ नहीं हो रहा है तो निचले लेवल पर क्या सोचेंगे। हल्द्वानी की सुरक्षा को लेकर और क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर बड़ी संजीदगी से ईमानदारी के साथ और इस भावना से कार्य करेंगे, ऐसी हमारी आशा है। संवाद 365 के लिए हल्द्वानी से विनोद जोशी की रिपोर्ट।